अगर आपका बजट कम है, अगर आप एक 4x4 पिकअप ट्रक लेना चाहते हैं तो आपके लिए है टाटा मोटर्स की योद्धा 4x4। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलर इस गाड़ी का डिज़ाइन लगता है, और अगर आप इसे बाद में कस्टमाइज़ करवाते हैं तो भाई साहब उसके क्या ही कहने। फ्रंट साइड में आपको मिलते हैं हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स जिनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। फ्रंट साइड में टाटा मोटर्स का लोगो है। फॉग लैंप के लिए स्पेसिंग मिल जाती है और इसमें आपको पेंटेड बम्पर मिलता है। ड्राइवर साइड इस प्रकार दिखती है। फ्रंट एंड रियर साइड में आपको मिलता है लिफ्टिंग सस्पेंशन जो खराब से खराब सड़कों पर भी आपको धोखा नहीं देगा। यहाँ पर योद्धा की बैजिंग है, 4x4 की बैजिंग है। 4x4 का स्टिकर लगती है, गाड़ी का फील ही कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पर साइड इंडिकेटर, फ्रंट विंडशील्ड आप देख सकते हैं। को ड्राइवर साइड इस प्रकार दिखती है। चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर एक फुट स्टेप मिल जाती है। इस गाड़ी की रियर साइड में आपको एक कार्गो बॉक्स मिलता है जिसमें आप ऑलमोस्ट 1 टन तक यानी कि 1000 किलो सामान इसमें लोड कर सकते हैं। रियर साइड लुक इस प्रकार दिखता है। पीछे आपको हैलोजन टेल लैंप्स मिलते हैं, साथ ही साथ एडिशनल सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से जब आप गाड़ी पीछे लेते हो तो आपको पीछे कोई आता है तो समझ जाता है। और अभी BS6 व्हीकल्स में मैंडेटरी है जिसकी वजह से आपको हर कंपनी में मिलता है। बहुत सारे हाई एंड कार्स में भी आपको सिर्फ सेंट्रल साइड में 2 मिलते हैं बट इसमें 4 मिलते हैं। स्पेयर व्हील लोकेशन इस प्रकार का है। सबसे मुद्दे की बात 4x4 दिखाने की, तो ये देखिए फ्रंट एक्सल पर यहाँ पर डिफरेंशियल एक्सल आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट का कनेक्शन है, ये इसकी ट्रांसफर केस है और ये इसका रियर एक्सल। फ्रंट एंड रियर व्हील को पावर देने की वजह से गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी में फर्क पड़ता है और आप कहीं पर भी इसे लेके जा सकते हैं। अभी के टाइम पे ये गाड़ी महाराष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी यूज करते हैं, जनरल 4x4 है, और कुछ स्टेट्स में CRPF भी इस गाड़ी को यूज करती है। अब चलिए इस गाड़ी के शानदार इंटीरियर को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ब्लैक कलर का यहाँ पर हैंडल मिलता है और अंदर से गाड़ी इस प्रकार दिखती है। डैशबोर्ड काफी अच्छा है, सिंपल सा है। अगर आप चाहे तो इसमें आप AC वेरिएंट भी ले सकते हैं। प्राइसिंग डिफरेंस ऑलमोस्ट 30,000 का आता है। डोर्स पर आप देख सकते हैं एकदम रगेड गाड़ी है। हैंडल्स, लॉकिंग अनलॉकिंग लीवर, विंडो अप डाउन लीवर और एक ग्रैब हैंडल। यहाँ पर है 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना दोस्तों तो ऐसा कमांडिंग पोजीशन मिलता है। और यहाँ पर इसका शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें स्पीडोमीटर, RPM मीटर और सेंट्रल साइड में एक MID यानी कि मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाता है। MID में फ्यूल लेवल गेज, ऑयल टेम्परेचर गेज, क्लॉक, ट्रिप मीटर और गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ साथ आप कई सारे डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर के कंट्रोल से और साथ ही साथ यहाँ पर वाइपर डिले का बटन है जिसकी वजह से आप वाइपर का स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। INT मोड पे वाइपर चलाते हैं तो उसका भी आप डिले एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टीयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड में लाइट्स और इंडिकेटर के कंट्रोल मिलते हैं। और डैशबोर्ड कंट्रोल से अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड में हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट डायल है। यहाँ पर इको मोड का बटन है और इसके बगल में रीजनरेशन का बटन दिया गया है। और अगर आप इसमें AC वेरिएंट लेते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो और यहाँ पर एक, इसे आप कुल 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको टॉप मॉडल में म्यूजिक सिस्टम भी स्टैंडर्ड आता है और यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। बट इस बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पर AC के कंट्रोल जो होते हैं वो यहाँ पर एक स्पेसिंग बन जाती है। यहाँ पर नीचे 5 वोल्ट 2.4 एम्पीयर का USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यह इसका 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये देखिए 4x4 का लीवर, 2 हाई 4 हाई, न्यूट्रल और 4 लो। अभी हमने इसे 2 हाई पे रखा है। यहाँ पर एक लॉकेबल लो बॉक्स मिलता है, एक स्पेस मिल जाती है स्टोरेज स्पेस, और लेग स्पेस आप देख सकते हैं गाड़ी की काफी अच्छी लेग स्पेस मिल जाती है। हेडरूम भी इसका काफी अच्छा खासा है। सेंट्रल साइड में यहाँ पर हैलोजन बेस्ड लाइट्स मिलते हैं। ये देखिए इस प्राइसिंग रेंज में आपको काफी अच्छे फीचर्स टाटा मोटर्स ऑफर करती है। अब देखते हैं इसके रियर सेक्शन को। ये देखिए रियर सेक्शन इस प्रकार दिखता है। थोड़ा सा पीछे आपको स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपके हिसाब से, बट पीछे 3 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। बट ये थोड़ा बेंच टाइप सीट है, थोड़ा सा रिक्लाइंड है। इस क्लिप को खींचकर आप ऐसे इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। इसका जो जैक है यहाँ पर प्लेस किया गया है और इसे आप फोल्ड करके निकाल भी सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये भी स्पेस मिल जाता है। पन्नी को भी अगर हम हटा दें तो भी यहाँ पर जो है दोस्तों 5 उंगली यहाँ पर आराम से बैठ जाती है। और टॉप वेरियंट में आपको यहाँ पर भी एक लाइट मिलता है और जो फुल व्यू है इस प्रकार दिखता है। इस गाड़ी में टाटा मोटर्स टिंटेड विंडशील्ड देती है। अपर साइड में आप देख सकते हैं ब्लू स्लेयर जिसकी वजह से धूप वगैरह जो आती है वो इतनी नहीं आ पाती इसमें, और ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इस गाड़ी को फुल ब्लैक कर दिया जाए, एलॉयज लगा दिया जाए, तो इस गाड़ी का जो लुक होगा ना दोस्तों, लोग मुड़ कर देखेंगे। Isuzu D-Max है कंपटीशन में, महिंद्रा की पिकअप है, बट इसका जो अलग मार्केट है ना वो कोई तोड़ नहीं सकता। और नॉर्थ इंडियन और खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो भाई साहब ये गाड़ी तूफान मचा रही है। यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक लोकेशन अंदर से आप देख सकते हैं, पाइप जा रहा है और अंदर वो फ्यूल टैंक लोकेशन आप देख सकते हैं। टायर साइज का अगर हम बात कर ले तो इसमें आपको मिलते हैं 215/75 R17.5 सेक्शन के टायर्स जो आपको टाटा मोटर्स की इंट्रा V50 में मिलती है, सेम टायर साइज है। ये इसका इंजन एरिया, यहाँ पर इंजन है, 4 सिलेंडर इनलाइन, डीजल फिल्टर है, बैटरी लोकेशन, एयर फिल्टर लोकेशन और यहाँ पर फ्लूइड रिजर्वायर दिए गए हैं।
ये विंडशील्ड वॉशर का फ्लूइड है और यहाँ पर स्टीयरिंग फ्लूइड रिजर्वायर आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सेकेंडरी कूलेंट टैंक है। बड़ा एरिया होने के कारण इसमें एक्सेसिबल है, आप इजीली आपका हाथ अंदर तक पहुँच सकता है, जिसके वजह से इसमें मेंटेनेंस वर्क वगैरह करना काफ़ी आसान है। और इस गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो महाराष्ट्र के पुणे में होती है। इसका प्लांट का जो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं जिसमें हमने इस गाड़ी को बनते हुए देखा है। और अगर आप इस गाड़ी को नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, महाराष्ट्र में खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या आप डायरेक्टली उज्ज्वल ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड नासिक से संपर्क कर सकते हैं। अब जानते हैं आपके फेवरेट सवाल प्राइसिंग और माइलेज के बारे में। देखिए 4x4 है, माइलेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कंपनी क्लेम्ड है। और खासकर बात कर ले प्राइसिंग की तो प्राइसिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, नॉन एसी, एसी। अगर आप चाहें तो इसमें आप 4x2 भी वेरिएंट ले सकते हैं। और ये जो 4x4 वेरिएंट है ये खासकर स्पेशल ऑर्डर पर बनता है, ये आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप ऑर्डर करते हैं तभी आता है, स्टॉक में ये देखने के लिए काफ़ी कम मिलती है गाड़ी। और 4x4 होने के कारण भाई साहब इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो सच में काफ़ी ऑसम है। अब चलिए इसका इंजन साउंड सुनते हैं। साउंड आप देख सकते हैं इसका। तो दोस्तों किस लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको टाटा मोटर्स की योद्धा 4x4 अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।